हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो जारी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताने आया इस वीडियो में कि जिन लोग का 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर का मेरिट लिस्ट भर रही है, तो वो लोग घबराए नहीं। तो उन सभी का नाम मेरिट लिस्ट में आने वाली है। तो इसी की रिगार्डिंग सारी बात को डिटेल से बताने आ चुका हूँ। तो टाइम मिलते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये जो मुजफ्फरपुर का जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया है, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि सबसे जो मिनिमम कट ऑफ गया है तो वो कितना गया, ताकि तो आप सभी लोग जिन लोग का नंबर अगर 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आ रहे होंगे, और आप लोग सोचेंगे कि इतना कम नंबर पर मेरे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं। तो आप सभी का नाम आ सकता है। वो कैसे आएगा तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। दोस्तों देखते हैं, जो मुजफ्फरपुर का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कक्षा 6 से 8 के लिए लाया गया है, चलिए इसके आ जाता हूँ डायरेक्ट पेज नंबर 32 में। दोस्तों जहाँ देख सकते हैं, टोटल जो पीडीएफ फाइल लाया गया है, टोटल 43 पेज का है। मैं आ जाता हूँ 32 नंबर पेज नंबर पे। दोस्तों जहाँ पे आपको बताता हूँ दोस्तों कितना गया जो कट ऑफ दोस्तों आपका। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो 32 नंबर पेज पे आ चुका हूँ दोस्तों, जहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं आपको फाइनल जो आपका जो दिखाता हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसका मेरिट पॉइंट जो बना है, तो ये रहा जो मेरिट पॉइंट सबसे फाइनल, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में दोस्तों, ये रहा, ये लास्ट में आप देख रहे होंगे दोस्तों, खुद देख सकते हो। तो मैं इसे अपने पर्सनली एडिट नहीं किया दोस्तों, ये ऑफिशियल जो जारी किया गया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हो तो 18 नंबर 18.19 22.8, ये तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो डाटा लाया गया, ऑफिशियल जो लाया गया है मुजफ्फरपुर के वेबसाइट के थ्रू, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जहाँ पे तो दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 18 नंबर पर मेरिट बना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इतने नंबर पर जब मेरिट बन रहा है, तो जिन लोग का 30 नंबर, 40 नंबर, 25 नंबर आया है, दोस्तों उन सभी लोग का भी मेरिट में नाम आ सकता है। दोस्तों आप में से जो लोग का इतना नंबर आ रहा है, प्लीज़ तो आप घबराइए मत, तो नेगेटिव मत होइए। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, एटलीस्ट कम से कम उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना नाम देखिए। अगर नाम आता है तो ठीक है दोस्तों, ओके, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर नाम नहीं आता दोस्तों, कोई बात नहीं, आप अगले बार ट्राई कीजिएगा, जरूर नाम आएगा। बस मैं आपको इस वीडियो में यही बताने आया था कि जो लोग का मेरिट अगर 25 नंबर 20 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग अपना रिजल्ट ही नहीं देखते हैं कि कितना नंबर पर तो मेरिट बनेगी नहीं, तो क्यों मैं देखो। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ तो जो ऑफिशियल एग्जांपल, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको फर्जी लाकर दे रहा हूँ या मैं अपने थ्रू से एडिट करके बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल जो मुजफ्फरपुर का जो डाटा है कक्षा 6 से 8 के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। और किसी तरह का डाउट आ रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का प्रश्न आंसर दूंगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अगर फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट देगा। तो अपना ख्याल रखना।